हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे है मॉडल पेपर। और ध्यान देंगे, यहाँ पे करीब हम 1 से लेके 100 तक जितने भी एमसीक्यू हैं सारे डील करेंगे। हाँ, और इस वीडियो में फिलहाल 1 to 50 क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। और फिर अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम 50 से लेके 100 तक डील करेंगे। हाँ, तो ध्यान से देखेंगे, इस मॉडल पेपर को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं जो बिहार बोर्ड प्रोवाइड करवाया है, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो मिनिमम मान के चलो ना 40 to 50% क्वेश्चन आपका जरूर सॉल्व हो जाएगा। हाँ, 40 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से रहता है। हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं कि बस ये एक सैंपल है जो बिहार बोर्ड दिया है कि देखो इस तरह का क्वेश्चन हम पूछेंगे। हाँ, तो ये सैंपल है और ये कुछ उनका दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस कि टोटल एग्जाम जो होगा कितने देर का होगा। तो एग्जाम होगा 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन वगैरह पढ़ सको। इसके लिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जो ओएमआर सीट वगैरह भरना होता है इन सब के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। हाँ, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब दिया गया है ओएमआर को कैसे भरना है। तो ये सब नेट पे डाउनलोड, नेट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नेट पे ये दिया हुआ है, समझ गया ना? तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ये सारा इंस्ट्रक्शन। और हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यू जो है, हाँ, तो प्रॉपर्टी एज ए रिजल्ट ऑफ विल। प्रॉपर्टी, विल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मरने वाला व्यक्ति, डिजीजस पर्सन का मतलब होता है मरने वाला व्यक्ति, अगर कोई मरने वाला व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार किसी संस्था को प्रॉपर्टी दान करता है तो उसे क्या कहते हैं? लेगेसी। हिंदी में क्या होता है? लेगेसी का मतलब वसीयत। तो जब मृत साझेदार अपने इच्छा अनुसार किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी संस्था को अपना संपत्ति दान करे तो उसे क्या कहते हैं? लेगेसी। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ कंज्यूमेबल ट्रेडेड इज, जितने भी रिसिप्ट होते हैं उन सारे रिसिप्ट को हम क्या, कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल का मतलब होता है खपत होने वाला वस्तु। तो खपत होने वाला वस्तु जो भी होता है संस्था के पास, उनसे जो भी संस्था को आता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इनकम आता है उसे हम लोग रिवेन्यू नेचर के इनकम कहते हैं। रिवेन्यू इनकम का मतलब होता है जो इनकम बार बार संस्था को हो उसे कहते हैं रिवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम उस इनकम को कहते हैं जो इनकम संस्था को कभी कभी होता है। जैसे कि मान लो लैंड खरीदने के लिए कोई इनकम आया, लैंड खरीदने के लिए कोई दान देता है तो ये क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। बिल्डिंग बनाने के लिए कोई दान देता है तो ये क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि ये सब बराबर नहीं आता, ये सब कभी कभी आता है। हाँ, और रिवेन्यू इनकम क्या होता है? जो रेगुलर बेसिस का होता है, जो रेगुलर आते रहता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। तो कंज्यूमेबल गुड्स से जो भी आता है, कंज्यूमेबल रिसिप्ट जो भी होता है, ये सारा का सारा क्या होता है संस्था के लिए? रिवेन्यू नेचर का होता है, इसीलिए हम लोग इसको रिवेन्यू रिसिप्ट में डालते हैं। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बाबू। लिखा हुआ है कि ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर, जितने भी कैपिटल नेचर के रिसिप्ट होंगे वो कहाँ जाएंगे, उसको कहाँ दिखाएंगे, बताइए। तो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट अभी जस्ट बताओ कभी कभी आता है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। और बैलेंस शीट के किस साइड में? अगर वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज वाला साइड में चला जाएगा। हाँ, याद रखिएगा इसको, जाएगा तो बैलेंस शीट में लेकिन किस साइड में? रिसिप्ट है तो लाइबिलिटी साइड में, अगर कैपिटल पेमेंट होता तो एसेट साइड में चला जाता। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इनकम इनमें से क्या नहीं है? तो चंदा इनकम है, डोनेशन भी इनकम है, टिकट को बेच करके जो पैसा आता है वो भी इनकम है, लेकिन इंडोमेंट फंड जो है ये संस्था के लिए इनकम नहीं है। क्योंकि इंडोमेंट फंड का मतलब क्या होता है? गिफ्ट के रूप में अगर कोई चीज मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेंट फंड, तो ये इनकम नहीं। फिर 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी विनियोग पर, अगर विनियोग पर प्राप्य ब्याज, यानी इन्वेस्ट अगर हम करते हैं किसी चीज को, मान लीजिए किसी चीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और उस पे अगर कोई मुझे रिटर्न मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट पे जो भी रिटर्न होता है उसको हम लोग इनकम कहते हैं।
क्योंकि प्रॉफिट नहीं कहते। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट उसको कहते हैं जिसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ता है साल के अंत में, और जब हम रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं और इक्वल टू जो होता है वो प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से ये प्रॉफिट नहीं होगा, एक्सपेंस होगा। हाँ, फिर छठा देखेंगे। छठा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनमें से क्या दिखाते हैं? तो परचेज ऑफ मटेरियल को भी दिखाते हैं और कंजम्पशन ऑफ मटेरियल को भी दिखाते हैं, क्योंकि ये सब रिवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। तो इसका आंसर होगा डी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम, सेवन नंबर। सेवन नंबर में ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो मुझे कुछ दान देता है तो उसको हम कहाँ देते हैं? तो देखिए, गवर्नमेंट जो मुझे अगर कोई ग्रांट देता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट वैसे कभी कभी देता है, सरकार हमें हमेशा दान नहीं देता है, समझे? तो सरकार जो दान देगा उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। और नॉर्मली गवर्नमेंट जो भी ग्रांट हमें देगा वो टर्म एंड कंडीशन के लिए ही देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल रिसिप्ट। तो ध्यान रहे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। अगर हम किसी भी एसेट्स को बेचते हैं, यहाँ ओल्ड एसेट्स होना चाहिए, ओल्ड एसेट्स को अगर बेचते हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनकम। हाँ, पुराना संपत्ति को बेचिएगा, अगर उससे कोई मतलब प्रॉफिट हो तो उसे हम लोग इनकम मानते हैं। हाँ, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर शोन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब शुरू होता है तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस रहता है, तो कैश इन हैंड रहता है, कैश एट बैंक रहता है, अच्छा है, निगेटिव अगर होगा कैश का बैलेंस तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, यानी डी, ऑल ऑफ द एबव। फिर अगला प्रश्न देखिए, लेगेसी। लेगेसी मतलब क्या? कि किसी के वसीयत से जो पैसा आता है। तो आप बताइए, क्या हमेशा लोग मरेगा और हमेशा मरने वाला व्यक्ति दान करेगा? तो जी नहीं, कभी कभी लोग मरता है, और कभी कभी ही कोई कोई मरने वाला व्यक्ति जिसके पास अगर कोई नहीं रहता है तो अपना संपत्ति दान कर देता है। तो ऐसा इनकम संस्था के लिए बार बार नहीं आता, कभी कभी आता है। तो कभी कभी आने वाला रिसिप्ट को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट के कैटेगरी में रखते हैं। फिर 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर अगर कोई मर जाता है तो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड। तो देखिए, कोई पार्टनर अगर मर जाए ना, तो फर्म जो प्रॉफिट हो कहाँ तक का कैलकुलेट कैलकुलेट करता है? तो टिल डेट ऑफ डेथ, यानी मान लीजिए कि 31 मार्च के बाद अगर कोई पार्टनर मरा है, सपोज करो 31 मार्च 15 को फर्म ने अकाउंटिंग तो करा ही होगा, ऐसा मान लो। उसके बाद में पार्टनर जो जिंदा रहा, मार्च में रहा, अप्रैल रहा, मई रहा, मान लेते ये 15 मई को भगवान के प्यारे हो गए, 15 मई 15 को भगवान के प्यारे हो गए। तो अब फॉर्म का यहाँ से यहाँ तक के जो भी प्रॉफिट आया है, तो पहले तो हम टोटल फॉर्म का प्रॉफिट निकालेंगे, अब उस प्रॉफिट में से जो पार्टनर मरा है उसका हिस्सा निकालेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा टिल द डेट ऑफ डेथ। हाँ, उसके बाद देखेंगे बाबू 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। ऑन द डेट ऑफ ए पार्टनर, ऑन द डेथ ऑफ ए सॉरी ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, ए शेयर ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, पार्टनर के मरने पे फर्म का जो पॉलिसी रहेगा वो पॉलिसी टूट जाएगा। पॉलिसी अगर टूट जाएगा, तो मान लीजिए कोई भी पॉलिसी हम लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, सपोज करो 20 साल के लिए। तो 20 साल के लिए अगर कोई इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 20 साल अगर चलेगा तब तो पूरा पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। अब 20 साल से पहले अगर किसी पॉलिसी को तोड़वा देते हैं तो क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू मिलेगा। लेकिन डेथ के केस में देखिएगा, डेथ के केस में जो भी अमाउंट मिलता है वो पॉलिसी ही अमाउंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे सरेंडर वैल्यू लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, सरेंडर वैल्यू जो भी होगा वो सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बटेगा। हाँ, इंक्लूडिंग डेथ पार्टनर ऑल्सो। उसके बाद में देखते हैं फिर 13 नंबर प्रश्न। द अमाउंट ड्यू टू द डिजीसेस पार्टनर, जो पार्टनर मरता है उसका जो अमाउंट होता है, उसका जो हिस्सा होता है, वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो याद रहे, उसके एग्जीक्यूटर में, ना उसके पापा को दिया जाएगा, ना उसके कन्या को दिया जाएगा, ना उसके फ्रेंड को दिया जाएगा। दिया क्या जाएगा? जो उसका एग्जीक्यूटर जो
मरने वाला पार्टनर का जो नॉमनी है, नॉमनी उसी को दिया जाएगा। एग्जीक्यूटर को सक्सेसर और नॉमनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। देखिए, सरेंडर वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी मींस, इंश्योरेंस पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू क्या होता है? तो अभी जस्ट आपको हम समझाए ऊपर, अगर कोई भी पॉलिसी मैच्योरिटी डेट से, मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट से पहले अगर, विच कैन बी रिसीव बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पॉलिसी, यानी ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट को ही मैच्योरिटी डेट कहते हैं, तो मैच्योरिटी डेट से पहले अगर कोई पॉलिसी को हम लोग किसी पॉलिसी का अमाउंट रिसीव कर लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलिसी सरेंडर करना। यानी मैच्योरिटी डेट से पहले किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को तोड़वा देंगे तो वो कहलाएगा तुम्हारा सरेंडर वैल्यू। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, मोड ऑफ डिजोल्यूशन, तो डिजोल्यूशन बाय म्यूचुअल भी होता है, कंपलसरी भी होता है, बाय कोर्ट भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। हाँ, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्मेंस, अगर पार्टनरशिप फॉर्म लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा गौर से, इस तरह के क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, पार्टनरशिप लिख के भी छोड़ सकता है, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिख के भी छोड़ सकता है, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी लिख सकता है, तो दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स कंप्लीट बिजनेस बंद हो जाएगा। तो जब बिजनेस बंद होगा तो क्या होगा, द टर्मिनेशन ऑफ फर्म बिजनेस, पूरा बिजनेस कंप्लीट बंद हो जाएगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज जो भी होगा उसको डिस्पोज करेंगे, खत्म करेंगे, यानी बोथ ऑप्शन सही है। अगर यही डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रहता सीधा तो उसमें क्या होता, कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ फर्म नहीं होता, उसमें क्या होता है कि पार्टनर का जितना ओल्ड रेशियो रहता है ना, जितना ओल्ड नियम रहता है, वो सारा नियम खत्म होके एक न्यू नियम लागू हो जाता, तो उसमें क्या होता कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिड होता और एक नया डिड बन जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लगा दिया है तो फॉर्म के केस में पूरा बिजनेस बंद हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एसेट्स आर फर्स्टली पेड टू, जब हमारा फर्म बंद होता है तो संपत्ति को बेच करके जो पैसा आता है उससे सबसे पहला पेमेंट क्रेडिटर का किया जाता है। हाँ, उसके बाद देखिएगा, द सेक्रीफाइस रेशियो, द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, तो सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्या इस तरह का है कोई फॉर्मूला, बताइए, नहीं है तो नन ऑफ दिस में टिक मारिएगा। हाँ, उसके बाद देखते हैं फिर अगला प्रश्न, 19 नंबर, एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स ऑन डिजोल्यूशन, जब भी हम संपत्ति को बेचते हैं डिजोल्यूशन अकाउंट, सॉरी डिजोल्यूशन के समय जब भी हम संपत्ति को बेचते हैं तो वहां से जो पैसा आता है उसको हम किस साइड दिखाते हैं। हाँ, तो क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड में और उसको जब हम सेल करते हैं तो सेल करने के बाद जो पैसा आता है वो आता है क्रेडिट साइड में। हाँ, तो इसलिए इसका क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट होगा। फिर 20 नंबर देखते हैं, ऑन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर, तो गुडविल क्या है बाबू, गुडविल भी एक एसेट्स है, तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कोई भी संपत्ति होगा तो पहले उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और इसको बेचा कहाँ जाएगा, गुडविल से अगर कुछ वसूल होगा तो उसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में। हाँ, बेचना क्रेडिट साइड में, संपत्ति का बेचना क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के, और संपत्ति का जो ट्रांसफर होगा वो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में, कब, इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद आप 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हेन वन ऑफ द पार्टनर टेक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, जब कोई पार्टनर कहता है कि मैं लाइबिलिटीज का पे कर दूंगा, मान लो लाइबिलिटीज किसका है, फर्म का है, और ये पार्टनर कह रहा है, सपोज करो एक से ये कह रहा है मैं फर्म का लाइबिलिटीज पे कर दूंगा, तो मान लो फर्म के पास अभी तो पैसा नहीं होगा इसलिए ये एक्स लाइबिलिटीज पे कर रहा है, लेकिन बाद में चल के तो ये लेगा ना फर्म से पैसा, हिसाब किताब होगा तो ये तो लेगा फर्म से पैसा, तो ये पैसा इसको बाद में मिलेगा, मिलेगा तो क्या होगा, इसका कैपिटल जो है बेटे, इसका कैपिटल प्लस होगा, और कैपिटल बढ़ने पे क्या होता है, कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट किया जाता है, तो इस वजह से इसका आंसर क्रेडिट होगा।
जब भी कोई पार्टनर किसी अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पे करता है, समझ गए ना, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पे करता है और वो लाइबिलिटीज फर्म का हो, तो जो पार्टनर पे किया है उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उस चीज को दिखाया जाता है, और बाद में चल के वो पार्टनर उतना अमाउंट ले लेता है जितना का लाइबिलिटीज पे करता है, उतना अमाउंट वो ले लेता है। हाँ आइए फिर 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन, जब फर्म का समापन होता है, तो एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, फिक्सियस, फिक्सियस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक संपत्ति, काल्पनिक संपत्ति। हाँ तो ध्यान देंगे, काल्पनिक संपत्ति जो होता है, जो संपत्ति बस नाम मात्र होता है, आर ट्रांसफर टू द, कहाँ, तो काल्पनिक संपत्ति को पता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेज करके उसको खत्म कर देते हैं, समझे। काल्पनिक संपत्ति को रियलाइजेशन अकाउंट में कभी भी नहीं भेजिएगा, क्योंकि उसका मॉनेटरी कुछ वैल्यू होता नहीं है, क्योंकि वो बिकता नहीं है, समझ गए ना। तो उसको हम कहाँ भेज देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज करके खत्म कर देते हैं। हाँ उसके बाद देखते हैं बाबू फिर 26 नंबर क्वेश्चन। रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस आर रिटन इन द साइड ऑफ रियलाइजेशन, कोई भी खर्चा है, तो कोई भी खर्चा एक्सपेंस है तो वो किस साइड दिखाओगे। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले कौन सा अकाउंट है ध्यान दो, तो रियलाइजेशन अकाउंट ये भी प्रश्न बन सकता है, एक नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटे, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन से कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है इस बात की जानकारी लगाते हैं, तो इसलिए इसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जिस अकाउंट में प्रॉफिट लॉस पता करते हो सब नॉमिनल अकाउंट होता है। हाँ तो नॉमिनल अकाउंट के किस साइड में एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो डेबिट साइड में। हाँ तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देखते हैं फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब हम फर्म को बंद कर रहे होते हैं तो बुक वैल्यू जो होता है संपत्ति का, हाँ बुक वैल्यू जो संपत्ति का होता है उसको किधर ट्रांसफर करते हैं, तो डेबिट साइड में। हाँ बुक वैल्यू जितने भी बैलेंस शीट, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जितना भी वैल्यू दिया हुआ एसेट्स का, पहले उसको हम ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड में, अब बाद में जब बेचते हैं तब उसको हम क्रेडिट में दिखाते हैं। चलो अब देखो 25 नंबर, पेमेंट टू क्रेडिटर आर रिकॉर्डेड, जब हम लाइबिलिटीज वाले का पेमेंट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्रेडिटर को हम ट्रांसफर जो करते हैं, क्रेडिटर को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जब इसका हम पेमेंट करते हैं, जब इस लाइबिलिटीज को हम पेमेंट करते हैं तब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाके पेमेंट करते हैं। हाँ ठीक एसेट से उल्टा, तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट टू क्रेडिटर आर रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ उसके बाद देखते हैं फिर अगला प्रश्न 26। ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड, जब फर्म का डिजोल्यूशन होता है समापन होता है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज्ड किया जाता है, तो सबसे लास्ट में बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाते हैं और उसी से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का पूरा हिसाब किताब करके क्लोज कर दिया जाता है। 27 देखेंगे, इन द इवेंट ऑफ डिजोल्यूशन, जब डिजोल्यूशन होता है, इन द इवेंट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स इज ट्रांसफर टू, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट को कहाँ भेजते हैं बाबू, तो रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते हैं, चुपचाप इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेज देते हैं, उसका टच तक नहीं करते, बस चैन से उसको छोड़ देते हैं वहां पे। हाँ इसका 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन है क्या, द कमीशन, कमीशन पेएबल टू पार्टनर ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स इज रिटेन टू द विच साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर संपत्ति को बेच देता है और फर्म उसको कमिटमेंट करता है कि भैया हम आपको कमीशन देंगे, हाँ कमीशन देंगे, तो वही कह रहा है द कमीशन पेएबल टू पार्टनर और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स इज टू बी रिटेन टू द विच साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो
भैया पार्टनर को कमीशन मिलेगा, तो कमीशन मिलेगा तो उसका कैपिटल प्लस होगा, और कैपिटल जब भी प्लस होगा तो क्रेडिट साइड यानी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा। हाँ 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर में टू क्लोज द एसेट्स अकाउंट, एसेट्स के अकाउंट को बंद करने के लिए क्या किया जाएगा, तो बताइए। अच्छा यहां तो कुछ लिखा नहीं कि एसेट्स को ट्रांसफर करना है या एसेट्स को बेचना है, सीधा लिखा है कि एसेट्स अकाउंट को क्लोज करना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे एसेट्स अकाउंट को जो क्लोज करना है तो पहले उसको ट्रांसफर करके डेबिट करेंगे, फिर उसको बेच करके हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड संपत्ति हो, अनरिकॉर्डेड जिस अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड संपत्ति अगर हो जो बैलेंस शीट में नहीं है, तो वैसे संपत्ति को हम क्या करेंगे पहले ऐड कर देंगे और तब जाके उसको हम समाप्त करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी जब भी किसी एसेट्स को खत्म करना है रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम पे, तो पहले उसको ट्रांसफर करके डेबिट करते हैं, फिर उसको क्रेडिट में सेल कर लेते हैं, क्रेडिट में सेल कर लेते हैं, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड है तो पहले उसको ऐड करके तब जाके क्रेडिट में हम ले जाके सेल करते हैं। अगर लिखा हुआ है कि हाँ सेल हो रहा है तो हम सेल करते हैं, अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम छोड़ देते हैं। तो इस वजह से ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। हाँ फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एसेट्स आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ यहाँ ट्रांसफर वर्ड लगा दिया है, तो जितने भी एसेट्स होंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त में ट्रांसफर जो होगा वो बुक वैल्यू पे होगा। बुक वैल्यू मतलब जितना वैल्यू बैलेंस शीट में उस एसेट्स का दिया गया है या लाइबिलिटीज का दिया गया है उसी पे ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन अकाउंट्स में। हाँ फिर आगे देखते हैं, इफ नथिंग इज डायरेक्टेड रिगार्डिंग लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के टाइम पे अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है या कितना परसेंट हुआ है, अगर इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो जितना बुक वैल्यू होता है ना उतना ही बुक वैल्यू से लाइबिलिटीज को पे कर दिया जाता है। तो लाइबिलिटीज में याद रखिएगा, लाइबिलिटीज में कहे तो भी ना कहे तो भी लाइबिलिटीज का तो पेमेंट होना तय है, समझ गए ना। हाँ अगर कहेगा टर्म एंड कंडीशन लगाएगा कि लाइबिलिटीज को किस तरीका से पे करना है या कितना पे करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम पे करेंगे। अगर नहीं कुछ कहेगा, नथिंग डायरेक्टेड, अगर कुछ नहीं कह रहा है, तब हम बुक वैल्यू पे पेमेंट कर देंगे लाइबिलिटीज को। हाँ लेकिन एसेट्स में ऐसा नहीं होता बाबू, एसेट्स में एसेट्स तो अपना होता है ना। तो मान लीजिए एसेट्स के केस में अगर नहीं कुछ कहता है बेचने के बारे में, तो हम उसे वैसे ही छोड़ देंगे। हाँ डेबिट में ट्रांसफर करके, खाली रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करके। देखो द लॉस अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, अगर बैलेंस शीट में कोई लॉस है तो वो तो कैसे बटेगा, तो बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, पार्टनर का जो भी पार्टनर होता है उसी में लॉस या प्रॉफिट बटता है, समझे। इसके बाद देखिएगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवेल्यूएशन, रिवेल्यूएशन का मतलब होता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो वैल्यू बढ़ता घटता है उससे जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं रिवेल्यूएशन अकाउंट। ये कब कब बनाया जाता है, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर में, समझ गए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। तब यहां से इस रिवेल्युएशन अकाउंट से होने वाला प्रॉफिट या लॉस किस में बांटा जाता है, तो ओल्ड पार्टनर ऑफ द फर्म, समझे, क्योंकि न्यू पार्टनर को थोड़ी मिलेगा। मान लीजिए कि एक्स और सॉरी मान लेते पी और एक्स बिजनेस को चला रहा है, हाँ, और यहाँ पे जेड एक नए पार्टनर के रूप में एडमिट कर रहा है, तो अब जो रिवेल्युएशन होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज का, जो रिवेल्युएशन होगा, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज इन लोगों का था ना पहले, जेड के आने के वक्त में अगर कोई रिवेल्युएशन होता है तो यहाँ से जो प्रॉफिट होगा, यहाँ से जो प्रॉफिट होगा जेड के आने से पहले का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो उसमें कौन लेगा, पी और एक्स लेगा, किस रेशियो में लेगा, ओल्ड रेशियो में लेगा, तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बटेगा ये। हाँ अब 34 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, अगर कभी भी नया पार्टनर कुछ गुडविल का अमाउंट नहीं लाता है कैश में, तो हम क्या करते हैं, किसी भी हाल में नए पार्टनर को गुडविल का अमाउंट लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लाता है तो हम क्या करते हैं, नए पार्टनर के कैपिटल में से उतना अमाउंट माइनस कर देते हैं जितना उसका गुडविल में हिस्सा होता, तो कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। हम क्या करते हैं बाबू, नए पार्टनर के कैपिटल में से
हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्योंकि देखो कैपिटल में से डेबिट करेंगे तो नए पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, कमेगा, कमेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 35 नंबर, एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब एक ऐसा लॉस है जो अभी तक बांटा नहीं गया है, जो इकट्ठा है। इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर के बीच बांट देंगे, क्योंकि पुराने पार्टनर का लॉस ही पुराने पार्टनर ही सहन करेगा, समझे। फिर 36 नंबर देखते हैं, द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट होता है तो किसके बीच बांटा जाएगा, तो वो किसके बीच बांटा जाएगा बताओ, वो तो पुराना पार्टनर का है, पुराने पार्टनर के बीच हम बांट देंगे, समझ गए ना। उसके बाद में गुडविल की जो वैल्यूएशन करी जाती है वो लिखा हुआ है, पार्टनरशिप फर्म गुडविल इज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू किस सेक्शन, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से। हाँ, फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं 38, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर विल कॉज, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से तो उस टाइम पे क्या क्या हो सकता है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स यानी डी, ऑल ऑफ दिस। जब भी कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा तो ये तीनों प्रक्रियाएं अपनाई जाती है फर्म के द्वारा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म का रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल को ही कहते हैं, समझे। और साथ साथ इसका दूसरा नॉमिनल कैपिटल भी है, लिख लो अपने कॉपी में, नॉमिनल कैपिटल भी हम लोग इसी को कहते हैं। हाँ, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इफ लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर इज लेस देन द फोरफिटेड। मान लीजिए कि जब हम शेयर जब्त करते हैं तो 5,000 रुपया हमको उस जब्त करने से फायदा होता है, और जब हम इशू करते हैं तो इशू करते टाइम पे मुझे 3,000 का लॉस लग जाता है। जब हम उसी फोरफिटेड शेयर को री इशू जब हम अगर करते हैं तो मान लीजिए 3,000 रुपये का लॉस आता है, तो अभी भी मेरा फोरफिटेड में कितना अमाउंट बचा हुआ है, 2,000 अमाउंट बचा हुआ है, जिसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं, द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर कैन बी एडजस्टेड थ्रू। जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मान लीजिए कि एप्लीकेशन जितना का हम लोगों ने मान लो इशू किया है शेयर, मान लो कि इशू हमने किया है 30,000 रुपए का शेयर, और एप्लीकेशन जो आया है वो आया है मेरे को 50,000 शेयर का, तो ये जो 20,000 शेयर है, इस 20,000 शेयर को हम लोग किस किस पे एडजस्ट कर सकते हैं बताओ। ये 20,000 जो एक्स्ट्रा पैसा है उसके अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे भी, सेकंड कॉल पे भी, इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। खाली ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन एग्जाम में कहां तक एडजस्ट करने को कह रहा है, तो एमसीक्यू में तो अगर ये रहेगा तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जहां तक कहेगा वहीं पे ले जाकर एडजस्ट करेंगे। 42 देखो, कैपिटल इंक्लूड इन द लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी। लाइबिलिटीज साइड में हम कौन सा कैपिटल दिखाते हैं बैलेंस शीट में, तो याद रहे पेड अप कैपिटल, जितना कैपिटल आएगा हमें, जितना जनता सब्सक्राइब किया है और उस सब्सक्राइब से एरियर वगैरह घटाने के बाद जो भी कैपिटल आएगा हमारे संस्था को, वही कैपिटल हम लोग दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, शेयर आर इशूड इट तो ओनली कैश, कैश के लिए नहीं, अदर देन कैश, यानी कैश के लिए भी हो सकता है और अदर देन कैश के लिए भी हो सकता है, यानी इसका जो आंसर होगा ए और सी, ये आंसर होगा सही। हाँ, उसके बाद फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। हाँ, क्योंकि यहां से हम लोग लोन लेते हैं और ये लाइबिलिटीज होता है, तो लाइबिलिटीज सब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। हाँ, जो भी लाइबिलिटीज साइड में जो भी जाता है वो सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। 45 देखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को इशू करते टाइम पे अगर कोई लॉस होता है
इज सोन अंडर विच हेड इफ इट इज टू बी, अच्छा जिस लॉस को 12 महीना के अंदर ही राइट ऑफ करना है उसको किस हेड में दिखाएंगे। तो कोई भी लॉस अगर हो ना डिवेंचर को इशू करते टाइम पे, तो उसको तो सबसे पहले एसेट साइड में दिखाते हैं। अब एसेट साइड में देखना है, अगर जिसको 12 महीना के अंदर हमें जिसको 12 महीना के अंदर हमें राइट ऑफ करना है वो हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स के अंदर चला जाएगा। और जिसको 12 महीना से ज्यादा के बाद राइट ऑफ करना है उसको हम लोग कहां दिखा देंगे, नॉन करंट एसेट्स में। तो यहां कह रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जिसको 12 महीना के अंदर अंदर ही राइट ऑफ करना है तो उसको कहां दिखाएंगे हम लोग, करंट एसेट्स में। हाँ, फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 46 नंबर, डिवेंचर होल्डर रिसीव्ड। तो डिवेंचर होल्डर कौन होता है कंपनी के लिए, तो क्रेडिटर होता है, जो हमें पैसा देता है, जो हमारा लाइबिलिटीज होता है। एक प्रकार से समझ लो ना कि डिवेंचर होल्डर लोन प्रोवाइड करता है कंपनी को, तो लोन के ऊपर जो कंपनी क्या पे करेगा, प्रॉफिट तो पे करेगा नहीं, डिविडेंड पे करेगा नहीं, बोनस पे करेगा नहीं, तो लोन के ऊपर क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, आज कंपनी डिवेंचर इशू करके 50,000 रुपया लिया है डिवेंचर होल्डर से, कितना रुपया लिया है, 50,000 रुपया लिया है। आज कंपनी मान लो कि डिवेंचर आज कंपनी डिवेंचर इशू किया, मार्केट में डिवेंचर बेचा है तो 50,000 रुपया लिया। कंपनी क्या कहता है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट, क्या है प्रिंसिपल अमाउंट जो लिया है। हाँ, कंपनी क्या कहता है कि कल के डेट में जो हम 5 वर्ष के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स 5 वर्ष के बाद लोगों को जो हम चुकाएंगे वो 60,000 रुपीज चुकाएंगे। हाँ, यानी इस 50,000 पे तो आपको 5 साल जो भी डिवेंचर होल्डर उसको तो ब्याज देगा ही कंपनी, साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट में क्या करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट में देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट में फेस वैल्यू जो 50,000 है वो तो देगा ही, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में 50,000 जो लिया था वो तो देगा ही, उसके अलावा 10,000 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा देगा, कंपनी उसको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा देगा। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, जब फेस वैल्यू से ज्यादा रुपया हम चुकाएंगे रिडम्पशन के टाइम पे, तो इस केस को क्या कहते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये 10,000 रुपया मेरे लिए क्या है बताओ, ये 10,000 रुपया मेरे लिए लाइबिलिटीज है। हाँ, यानी मेरे को 5 साल बाद ये 10,000 रुपया पे करना है। आया बात समझ में, अगर आज तुरंत अगर हमको पूछा जाए कि आज के लिए क्या है, तो आज तो मेरा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, क्योंकि पैसा लेने का ही खर्चा है, लेकिन वो इन फ्यूचर का जो है, इन फ्यूचर का लाइबिलिटीज है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा। हाँ, तो लाइबिलिटीज है ये, क्या है ये 10,000 रुपया जो एक्स्ट्रा हम चुकाएंगे, तो ये मेरे लिए 5 साल बाद का लाइबिलिटीज है। हाँ, चलिए 47 के 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। 48 में क्या है, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो कितने तरीका से कंपनी शेयर का सब्सक्रिप्शन कर सकता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कर सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन कर सकता है, फुल सब्सक्रिप्शन कर सकता है। मान लो कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जैसे 50,000 कंपनी शेयर इशू किया, कंपनी शेयर 50,000 इशू किया तो अप्लाइड हो गया, हाँ 60,000 शेयर, तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी इशू किया 50,000 और कंपनी को अप्लाई जो हुआ है, अप्लाई हुआ है वो हुआ है केवल 40,000, तो इस केस को कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब कंपनी इशू किया है 50,000 शेयर और कंपनी को अप्लाई जो हुआ है, अप्लाई जो हुआ है कंपनी को वो भी हुआ 50,000 शेयर, तो इस केस को कहेंगे फुल सब्सक्रिप्शन, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। हाँ, 49 नंबर में है कि द अलॉटमेंट ऑफ शेयर आर मेड अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट। हाँ, तो कंपनी एक्ट के किस सेक्शन के हिसाब से अलॉटमेंट होता है, तो देखिएगा ऑप्शन ए नहीं है, बी भी नहीं है, हाँ ऑप्शन सी भी नहीं है, अरे इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, सॉरी ऑप्शन डी भी नहीं है, बी है, बी नहीं, बी गलती है। हाँ, तो बी के जगह लिख दीजिएगा सेक्शन 69, क्या लिख दीजिएगा सेक्शन 69। हाँ, इसका ये आंसर सही। कभी भी कंपनी का जो अलॉटमेंट होता है ना शेयर का, वो सेक्शन 69 के तहत होता है, समझ गए ना, तो ए
बी सी डी सब गलती आंसर था, तो बी में हमने चेंज कर दिया, 69 लिख दिया। हाँ, तो आंसर इसका ये सही है। उसके बाद देखिएगा फिर 50 नंबर हाँ क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ एक्स्ट्रा मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर आर नॉट रिटर्न विद इन द 15 दिन, अगर मान लो कि शेयर एप्लीकेशन के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, अगर कंपनी उसको 15 दिन के अंदर नहीं लौटाएगा, तो कंपनी उस पैसे पे उस शेयर होल्डर को 12% के दर से ब्याज देगा। फिर समझिएगा, अगर एप्लीकेशन के साथ कोई एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, उस पैसा को अगर कंपनी 15 दिन के अंदर नहीं लौटाएगा, तो कंपनी उस पैसे पे शेयर होल्डर को 12% के दर से ब्याज देगा। हाँ, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन तक आज हमने किया, और फिर इसके बाद और 50 क्वेश्चन जो होगा 51 to 100 वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।